एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं कनॉट प्लेस। सो आज हम आए हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। सो ये काफी डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। हम आपको जरूर दिखाएंगे अंदर आपकी कितनी की टिकट्स है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। सो ये है कनॉट प्लेस में। सो मैं आपको फर्स्ट पार्किंग बता देती हूँ। अगर आप अपने व्हीकल से अगर विजिट कर रहे हैं तो 10 रुपीज 2-व्हीलर, 20 रुपीज फॉर 4-व्हीलर, और ये आपके प्राइसेस है 1 आवर के। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, गेट नंबर 8। जैसे ही आप गेट नंबर 8 से एग्जिट लेंगे, आपको सामने ही म्यूजियम ऑफ इल्यूजन दिख जाएगा। यहाँ आप बाहर देख सकते हैं, आप काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं यहाँ। गाइस, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कितना क्राउडेड एरिया है, और म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में भी काफ़ी क्राउड था। सो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ प्लान करते हैं आके ऑफलाइन टिकट्स लेने का, तो हो सकता है आपको 4 to 5 आवर्स की वेटिंग भी हो, बिकॉज क्योंकि हम भी जब गए थे तो हमें भी 4 to 5 आवर्स की वेटिंग करनी पड़ी थी। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा, आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ से टिकट्स ना लेकर आप अपना ऑनलाइन टिकट बुक करवा के जाएं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करवानी है तो आप म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स की वेबसाइट से जाके भी करवा सकते हैं, और आप ट्रिप जोजो से, इट्स TRIPXOXO, इससे भी बुक करवा सकते हैं। आपको यहाँ 5 to 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो अपना आपको टिकट प्राइस बता देती हूँ। एडल्ट के हैं 650 रुपीज़, चाइल्ड के हैं 520 रुपीज़, और अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो एडल्ट की प्राइस है 690 और चिल्ड्रन के हैं 550। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपको 1 आवर का स्लॉट मिलेगा। इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। तो अब हम एंट्री लेते हैं। एंट्री के टाइम आपको ऐसे बैंड दिए जाते हैं एंट्री के टाइम पर। सो यहाँ पर कैफ़े भी है, यहाँ पे आप अपना फूड पिज़्ज़ा वगैरह इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है रिवर्स्ड रूम। सो आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ फोटोग्राफ और वीडियोस भी बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे हर एक इल्यूजन रूम के बाहर यहाँ इनका एक एक्सपर्ट होता है, जो आपके फ़ोन में ही आपकी फ़ोटोग्राफ या वीडियो लेगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सेकंड, आप देख सकते हैं नट बोल्ट है, दूर से आपको दिखेगा कि ये 3D व्यू दे रहे हैं। आप इस टाइप का भी इल्यूजन देख सकते हैं। सो ये गाइज म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का सबसे बेस्ट एरिया था। सो अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रिवॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस और काफ़ी अच्छी जगह थी। बेस्ट पार्ट म्यूजियम ऑफ इल्यूजन का मुझे यही लगा। अगर आप दिल्ली में कुछ डिफरेंट या कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और आपके बच्चे और आप भी यहाँ काफ़ी इंजॉय करेंगे। काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। जैसे कि आप वीडियोस में देख भी रहे हैं, छोटे छोटे इल्यूजन्स हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप देख भी सकते हैं वीडियो में। सो ये है इन्फिनिटी वेल। अगर आप इसको पास से देखेंगे जाके तो आपको इसका एंड पॉइंट नहीं दिखेगा, ना नीचे और ना ही ऊपर। यहाँ आप काफ़ी फोटोग्राफ या वीडियोस भी बना सकते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं गांधी जी की कितनी बड़ी फोटोग्राफ लगाई गई है, और आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि जहाँ पर भी आप मूव करेंगे आपको इनकी आईज आपको अपनी साइड ही दिखेंगी। आप वीडियो में देख भी सकते हैं। सो गाइज, दिस इज एम्स रूम। सो आप देखेंगे यहाँ एक साइड पे तो आपको काफ़ी छोटी हाइट लगेगी और दूसरी साइड आपको काफ़ी बड़ी, आप जैसे कि वीडियो में देख भी रहे होंगे। ये भी काफ़ी डिफरेंट और यूनिक इल्यूजन है। आप देख
देख सकते हैं, अगर आप इसको मूव करेंगे तो है नॉर्मल ये प्लेन सरफेस, बट इल्यूजन में कुछ और ही दिखेगा। ये ऐसी काफ़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और इल्यूजन्स यहाँ काफ़ी हैं। यहाँ ये बाहर का एरिया, यहाँ आप फोटोग्राफ्स या वीडियोज़ भी आराम से ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे ही रही हूँ, अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इल्यूजन की तरफ। सो आप इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ट्राइंगल शेप में है। अगर आप दूसरी साइड से अगर आप इसको व्यू करेंगे सो आपको दिखेगा ये स्क्वायर है। सो ये भी काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इल्यूजन है। नेक्स्ट इल्यूजन, इसका नाम है बिल्डिंग इल्यूजन। सो गाइज आप इसमें देख सकते हैं, सामने आपको मिरर दिखेगा, इसमें आपको ऐसा फोटोग्राफ अगर आप क्लिक करते हैं इसमें आपको ऐसा व्यू होगा कि आप बिल्डिंग से गिरने वाले हैं और आपको कोई होल्ड कर रखा है किसी ने। सो नेक्स्ट वन इज, तो इस इल्यूजन में आपको आपके पार्टनर के साथ ऑपोजिट साइड में खड़ा होना होता है, जिसमें आपकी पार्टनर की हाफ और आपकी हाफ फोटोग्राफ आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हो। इंटरेस्टिंग इल्यूजन में, इसमें आपकी बॉडी ना दिखे, सिर्फ आपका नेक एरिया दिखेगा। सो अगर आपको परफेक्ट शॉट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉट्स लेने हैं तो आप यहाँ गाइड से भी बोल के उनसे आप पिक आराम से क्लिक करवा सकते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ आपकी क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल रूम। सो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी पिक्चर्स और वीडियोस काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी यूनिक आती हैं। गाइज आई एम वेरी श्योर कि यहाँ आपके बच्चे और आप भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, सो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। गाइज नेक्स्ट वन इज इन्फिनिटी रूम। सो आप इसके बाहर फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ आप किस किस टाइप की फ़ोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ बाहर ही इन्फिनिटी रूम के बाहर ही फ़ोटोग्राफ कुछ लगाई गई हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा इट्स टाइप ऑफ भूल भुलैया। सो आप यहाँ देखेंगे तो सिर्फ आपको आप ही दिखेंगे, काफ़ी सारे दिखेंगे, सो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट इल्यूजन पे। सो ये है गैम्पलिंग टेबल। अगर आप इसमें देखेंगे इस टेबल पर तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप अकेले ही कार्ड प्ले कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में प्रॉपरली दिखाया भी हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ 4 पर्सन और गेम खेल रहे हैं। गाइज जैसे कि आप देख भी सकते हैं बाहर के एरिया में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट और काफ़ी छोटी छोटी इल्यूजन्स लगाई गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मैजिक प्रिज्म। सो आप जैसे ही इसको टच करेंगे वैसे इसके कलर्स, शेप्स, पैटर्न अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। गाइज आप वीडियो में देख सकते हैं हर एक इल्यूजन का अपना पर्टिकुलर, अपना स्पेसिफिक स्पेस, अपना रूम बनाया गया है यहाँ पर। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर रूम की। सो आप गाइज देख सकते हैं इस कलर रूम में काफ़ी कलरफुल एरिया है ये। सो यहाँ पे कलरफुल एरिया के साथ साथ आपको शेडोज भी काफ़ी विजिबल होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वॉल पे आपको ये फोटोग्राफ दिख रही होगी। सो आप इस फोटोग्राफ की खासियत ये है, आप जितना इस फोटोग्राफ के नियर जाएंगे आपको आपको लगेगा कि ये पिक कितनी बड़ी होती जा रही है। इस गाइज हम यहाँ वीक डे में गए थे सो आप देख ही सकते हैं कितना क्राउडेड एरिया है ये ऑलरेडी, और वीकेंड पे तो यहाँ और भी ज़्यादा क्राउड होता है। सो आप पहले ही प्लान करके अपने टिकट्स बुक करके ऑनलाइन या तभी विजिट करें, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा ये। अब हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट इल्यूजन की। सो गाइज आप जब भी यहाँ नेक्स्ट इल्यूजन यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो आपका फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होती है फ़ोटो क्लिक करते हुए हमेशा ऑन रखनी है। अगर आप ऑन रखेंगे तभी आपकी पिक्चर यहाँ पर इस वाले स्पेसिफिक इल्यूजन में अच्छी आएगी। सो आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि आपको किस तरीके से, किस टाइप से फोटोग्राफ यहाँ क्लिक करनी है, फ़ोन को किस तरीके से प्लेस्ड करना है सो दैट आपकी पिक्चर अच्छी।
आएगी। मैंने आगे भी वीडियो में लगाया है कि अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपकी किस टाइप से आपकी फोटोग्राफ आ सकती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। सो दिस इज द फोटोग्राफ। सो गाइज, जो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको 2 पार्ट्स ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। दो थर्ड वन है ये वाला, यहाँ पर आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के टॉयज हैं और काफ़ी सारी बच्चों के लिए माइंड गेम्स भी हैं। सो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ से बाय करते हैं उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे करने होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आपके लिए वीडियो में ली है कि आप यहाँ क्या क्या चीज़ बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आपको चार्जेस करने हों। सो गाइज, जैसे आप यहाँ गेम्स वगैरह या कुछ भी बाय करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी आपके ऑफर्स आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स आते रहते हैं। सो आप यहाँ पे माइंड गेम्स वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री भी आपको यहाँ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम और जैसे भी आप जाएंगे। सो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूनिक जगह मुझे तो लगी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आपको भी एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जितना पॉसिबल हो सकता है गाइज, प्लीज़ उतना शेयर कीजिए। सो गाइज, अब हमारा एग्जिट का टाइम हो गया है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।